तो ये खाली जमीन देखने के लिए बुलाया था। अरे भाई, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि तुम ये देख सको कि ये जमीन अभी जरखेज है सामने। मैं जानती हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मलिक मुजाहद की बीवी और उनके तीन बच्चों की माँ पे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो? नैना बता रही थी कि वो एक्सपेक्ट कर रही है और आप लोग ने अभी तक सेलिब्रेट नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा। नैना ने कहा हम तो रोज सेलिब्रेट करते हैं। तुमने मुझे खुद ही तो कहा है कि आरिश तुम्हारा दोस्त है और कुछ नहीं है, तो यही बात तुम आरिश को समझा दो ताकि वो तुम्हारे पीछे आशिकों की तरह ना फिरता रहे। लेकिन जब यहाँ आके मैंने तुम्हारी सिचुएशन देखी तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब पता चल गया, फिर क्या ख्याल है? सिंपल, तलाक लो उससे। Why have you done this, Naina? तुम्हें शाज़मीन ने नहीं बताया क्या? बताया तभी पूछ रहा। आरिश परेशानी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। किसका फोन था? किसी का नहीं। Sure? वो मेरे भाई का फोन था, उससे बात हो रही थी। I thought कि फरहाद का फोन था। लेकिन तुम्हारा तो तुम्हारी फैमिली के साथ रिश्ता खासे अरसे से खत्म नहीं था? पहली दफा बात हो रही। क्या हुआ? कुछ नहीं, काफ़ी अरसे के बाद जब फैमिली से बात होती है, बहन भाइयों से बात होती है, तो इंसान ज़्यादा इमोशनली चार्ज होता है। तुम्हारी आंखें देख के नहीं लगता कि ऐसी कोई? नहीं, वो मैं कभी भी ऐसी नहीं थी। चाय पियेंगे? और तुम्हें भी चाय बनाने की जरूरत नहीं है, आराम के दिन है तुम्हारे, आराम करो। उसकी बताओ मुझे अपनी दोस्त की, दोस्ती होगी तुम्हारा? हाँ। आजकल वो किस किस्म के स्टेट ऑफ माइंड में? क्यों, ठीक तो है वो? अरे उस दिन वो मेरे सामने इतने गुस्से से गई है और फिर मैं देखता हूँ कि फिर वो वापस आ गई अचानक। वो गांव गई हुई थी ना, तो शायद दूर रहकर उसको एहसास हो गया कि उसने कुछ गलत किया है। चलो शुक्र है, एहसास वाला खाना तो अभी उसका सलामत है। उस दिन तुम दोनों डिनर पे गए और उसके बाद उसने तुम्हें वापस घर भिजवा दिया और खुद अपनी मम्मी की तरफ चली गई, है ना? आप कहाँ गए? पता नहीं। मैं फोन करके पूछ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं पूछने की। तो वैसे ही कहता है कि दोस्त को दोस्त का पता होता है ना कि वो कहाँ है। वैसे भी मुझे भी पता कि वो कहाँ है। I was just trying to check you out. क्या काम है? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ ठीक हूँ, ठीक। जी वो शुक्रिया अदा करना था आपका। शुक्रिया किस चीज का? वो आपने जो पैसे भिजवाए थे मेरी बीवी और बच्चों के लिए, उसके लिए शुक्रिया। वो अपनी बीवी से कहना कि वो पैसे मैंने तुम्हारे दवा के इलाज के लिए भिजवाए थे। लेकिन वो पैसे तो आपने मेरी बीवी के इलाज के लिए दिए थे ना, उसे कैंसर है, आप भूल गई क्या? हाँ भूल गई, मुझे लगा कि कैंसर तुम्हें है, वो भी दिमाग का। मेरी बीवी ने मुझे आपके पास भिजवाया था कि आपको साथ ले आऊं। नहीं मैं नहीं जा सकती। देखें वो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है, मर गई तो क्या? हॉस्पिटल में है ना, क्या पता आज ही जिंदगी का आखिरी दिन हो उसका। आपने उस पे इतना बड़ा एहसान किया, एक और कर लीजिए, आके मिल लीजिए उसे। आइए। अरे क्या कर रहे हो, बंद करो दरवाजा। मैं आपको साथ लिए बगैर जाऊं? ऐसे नहीं मानेगा तू। ओ भाई बेशक मुझे गोली मार दो तुम, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं बेगम साहिबा को लेके जाऊंगा। मैं जानता हूँ बड़े लोग हैं, मलकानी है, पूरा पाकिस्तान चला रही है, लेकिन हमारे छोटे लोगों की भी कुछ ख्वाहिशात है यार। अपना काम कर। प्लीज आप मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बीवी मर जाएगी। अब अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। चले ठीक है, फिर मैं आपके साथ चलता हूँ। चलो बैठ कर गाड़ी। अरे नहीं, मैं चल रही हूँ। मेरी गाड़ी में?
जाहिर सी बात है, और किसकी गाड़ी में? हाँ देखा, बड़े लोग हैं, सुनते हैं, लेकिन बोलने वाला चाहिए बस। आइए मैडम। अच्छा सुनो, तुम गाड़ी घर पर ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। कहाँ है तुम्हारी गाड़ी? मेरी गाड़ी मैडम इस तरह। चलो आई। कैसा? इंतहाई घटिया और छिछोरा। तुम्हें शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई गिरी पड़ी औरत नहीं हूँ। जानता हूँ मलिक वजाहत की बीवी हो, बल्कि उसकी बीवियों में से एक बीवी, तीन बच्चों की माँ, लेकिन यू नो व्हाट, उस घर में तुम्हारी हैसियत थर्ड क्लास सिटीजन से ज्यादा कुछ भी नहीं। मुझे गुस्सा मत दिलाना। ओके मरवा दोगी? मरवा दो, वैसे भी मुझे कोई परवाह नहीं है अपनी। आखिर तुम चाहते क्या हो आरिश? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हें मैं इस हाल में नहीं देख सकता। तो अपनी आंखें बंद कर। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आंखें बंद करूंगा तो सिर्फ तुम्हें दिखाई देगी। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? छोड़ दिया? मैं तो सिर्फ तुम्हारी खैरियत जानने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आया, और जब तुम्हारा ये हशर देखा तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आरिश प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। रोज प्लान करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दूँ, लेकिन रोज हार मान लेता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद किसी दिन ये दिल मान जाए। फिलहाल मुझे इसके कोई असरात होते हुए नजर नहीं। तुम हर बात मजाक में क्यों ले लेते? देखो सच्ची बात ये कि मैं कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता, अगर वो गुजर जाता है तो ये भी गुजर जाएगा, और उसके साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी गुजर जाएगी। जो वक्त है अभी है तुम्हारे हाथ में, ना पिछला वक्त तुम वापस ला सकते हो, हाँ लेकिन आने वाले वक्त की तुम गारंटी ले सकते हो। For God's sake यार, responsibility लो, damn it। क्या करूं? मालूम करो कि तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए। कैसे? अपनी आंखें बंद करो और भूल जाओ कि इस वक्त मैं तुम्हारे पास हूँ। सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए। I know it's filmy, but trust me, it works. Do it. Close your eyes. Now concentrate. Please, marry me. मुझे वो पल दोबारा चाहिए। और अब की बार कैसे गुजारना चाहती हो जिंदगी? सही रास्ता चुनना चाहती हूँ। और क्या है वो? आरिश लिसन, अब मुझे चुन लिया है तो मुझसे भागना कैसे? आरिश ठीक नहीं है। क्या सही नहीं है यार? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का तुम्हारे शौहर के साथ शादी करना या तुम्हारे शौहर का तुम्हें धोखा देना? शायद तुम हमेशा से मुझे चाहती हो, आज भी चाहती हो, मान लो इस बात को प्लीज। वो लाल खान बता रहा था कि तुम अपनी गाड़ी से उतरकर किसी और की गाड़ी में बैठी थी। कौन था वो? आरिश। आरिश कब से जानती हो? हम एक ही स्कूल में थे। दोस्त तो नहीं थे ना? दो साल सीनियर था मुझसे। नौकर है वो तुम्हारे शौहर का? I don't think वो आपका नौकर है।
और अगर है भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हमारे खानदान की जो शादीशुदा औरतें होती हैं वो गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात रखें ये मुनासिब नहीं समझा जाता। और मर्दों का मुनासिब समझा जाता है। बराबरी करोगे मेरी? नहीं, लेकिन सौदा तो कर सकते। किस किस्म का सौदा? आज से मैं आपके मामले में नहीं बोलूंगी, चाहे आप 10 शादियां और कर लें, चाहे आप अपनी बच्चियों को ना देखें, ना मैं आपसे लड़ूंगी ना झगड़ूंगी और ना ही कोई शिकायत करूंगी, लेकिन उसके बदले में आप मुझे वो करने देंगे जो मैं करना चाहती हूँ। और वो क्या है? आरिश से दोस्ती। लेकिन आप फिक्र ना करें, कोई गलत काम नहीं करूंगी, मैं उससे सिर्फ अच्छी दोस्ती रखना चाहती हूँ। जैसे तुम अब तक उसको छुप छुप के मिलती हो। छुप छुप के? नहीं, मैं उससे छुप छुप के नहीं मिली। तुम उससे छुप छुप के नहीं मिली? नहीं नहीं मिली? नो, मैं उसे छुप छुप के नहीं मिली। बजाहत ऐसी बेहूदा बात की ना तो जुबान खींच दूंगा तुम्हारी। मैं ठीक नहीं कर रहे हो तुम मेरे साथ वजाहत मलिक। नैना नहीं हूँ मैं जो चुपचाप मार खाती रहूंगी। अगर तुम नैना नहीं हो तो मैं भी फरहाद नहीं हूँ। उसने तो 8 साल उसको बंद करके रखा है ना, मैं सारी जिंदगी के लिए बंद कर दूंगा। एड़ियां रगड़ती रहोगी। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी आरिश की वजह से। वाह, क्या डबल स्टैंडर्ड्स। मेरी दोस्त से शादी करनी और मुझे इतनी भी इजाजत नहीं है कि मैं अपने बचपन के दोस्त से 2 मिनट बात कर सकूं। दो हाथ दूंगा ना तो हक ठिकाने आ जाएगी तुम्हारे। ये अक्ल ठिकाने आ चुकी है वजाहत मलिक। छुप छुप के मिलने के बजाय तुमसे डील ना करती। वरना तुम इतनी इंपॉर्टेंट कब से हो गई कि मैं तुम्हारे साथ डील करूंगा? जब तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो तो तुम्हारे साथ डील क्यों करूं मैं? ठीक नहीं कर रहे हो तुम। पछताओगे एक दिन। मैं पछताऊंगा? नैना, हाँ हाँ जाओ, चले जाओ उसके पास, छोड़ दो मुझे। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर से बात हुई थी आपकी? बेबी ठीक है? हाँ बात हुई है मेरी डॉक्टर से। वो कह रहा था कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, 2-4 रोज तुम बेड रेस्ट करोगी तो एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। शाज़मीन वो कैसी है? ठीक है। आई डोंट नो, I don't know. मुझे उससे मिलना है वजाहत। क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें? जब तुम्हें मालूम है कि तुम इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तो फिर क्यों हमारी बातें सुनी तुमने? आप उसको मार रहे थे। मुंह जोर घोड़ी का यही इलाज होता है। वो कोई जानवर तो नहीं है? हरकतें तो उसकी बिल्कुल जानवरों वाली है ना। कैसी हरकतें हैं उसकी जो जानवरों जैसी हैं? क्या
जानवर ही एक मर्द के होते हुए दूसरे की तरफ मुंह मारने का सोचता है। वो सिर्फ अपने दोस्त का पूछ रही थी। वकालत कर रही हो तुम उसकी? ऐसा कुछ नहीं कर रही वजह। देखो तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। Keep yourself out of this. मजाद आप आके उसको कमरे में बंद कर देंगे क्या? तुम्हें अगर उसकी इतनी फिक्र है तो जाओ जाकर उसको समझाओ। वैसे भी हमारे खानदान की औरत अगर कोई इस तरह की बात सोचे तो उसको जिंदा गाड़ दिया जाता है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। We just relax. आप मुझसे सिर्फ एक वादा करें कि आप दोबारा कभी भी हाथ नहीं उठाएंगे। जो गलत काम करता है उसके साथ यही सलूक होता है। तुम क्यों डर रही हो? तुमने तो कोई गलत हरकत नहीं की है। खुद को संभालो, मुस्कुराओ, खुश रहो, अपना अपने बच्चे का ख्याल रखो। मुझे ऑफिस जाना है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। खबरदार अगर तुमने इस बेड से एक कदम भी नीचे उतारा तो। बहुत गलत बातें कह जाती हूँ। गुस्से का एक फायदा है, कभी कभी सच निकल जाता है। गुस्से में इंसान को गलत बात सच लगती है। बहरहाल मैं तुमसे बहस करने नहीं आई, मैं सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि तुमने वजाहत के गार्ड्स ऑन कर दिए। कुछ दिन के लिए तुम उनसे दूर ही रहो तो बेहतर है। वाह क्या बात, खुद मुझे उकसाया और अब मना कर रही हो? उकसाया भी तुम्हारे लिए था और अब मना भी तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है ना, खुद मुझ पर एहसान जताकर मुझसे ही दुश्मनी करती चली जाती हो। और अब जो तुम्हारी नई आदत बन गई है, हर इल्जाम का कसूरवार तुम मुझे ठहरा रही हो, जबकि मैं तो नहीं तुम्हें कहती कि तुम्हारे सारे फैसले गलत हैं। मैं ये भी नहीं कहती कि तुम हर एक को कसूरवार ठहराती हो सिवाय अपने आप को। अगर वजाहत को पता चल गया ना कि मैं बेड से निकलकर यहाँ पर आई हूँ तो कयामत आ जाएगी। तो ना आती, किसने कहा था आने को? मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, तुम्हारे लिए आई, तुम्हें समझाने आई हूँ
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अंजाम भी मेरी तरह हो जाए। शाज़मीन प्लीज सोच समझ के कदम उठाओ। अगर वजाहत को पता चल गया ना तुम्हारी बातों का तो न जाने क्या कुछ हो जाएगा। तीन बच्चियां हैं तुम्हारी, उनका सोचो जरा। अगर गुस्सा आ गया वजाहत को क्या कर देंगे वो? कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारी बात पर अमल करो। इसकी आंख और कान बिल्कुल इसके निशाने की तरह तेज। अगर इसकी आंखों ने कुछ देख लिया या इसके कानों ने कुछ सुन लिया तो ये तुम्हारी आंख और कान के दरमियान इतना बड़ा सराह करते हैं। वजाहत नहीं पसंद करते कि मैं किसी भी मर्द से बगैर किसी रीजन के बात करूं। और तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो इसमें गलत क्या है? मेरे जाने के बाद तुम इसके पास गई थी। गई थी ना? मेरे मना करने के बावजूद शाज़मीन? क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं मामा, बस गिर गई। गिर गई थी? जी, सबसे ऊपर वाली सीढ़ियों से सबसे नीचे गिर गई थी। खैर छोड़ें, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, पहले मुझे बताओ क्या हुआ है। ओफो मामा, क्या बैंडेज उतार कर देखेंगी? अच्छा सुने, वो मैं बच्चियों को भी साथ लेकर आई हूँ। अच्छा, बच्चियाँ आई हैं, कहाँ हैं? लॉन में हैं। ये उनके पासपोर्ट्स और टिकट्स हैं, इन पे वीज़ा लगा हुआ है। आप इन लोगों को लेके फौरन अमेरिका चली जाएं। क्या बात है शाज़मी, सब खैरियत तो है? खैरियत के लिए ही कह रही हूँ मामा। बल्कि जब तक आप लोग की फ़्लाइट का टाइम नहीं हो जाता आप इनको लेकर किसी होटल में शिफ्ट हो जाएं। मुझे साफ साफ बताओ शाज़मी, मलिक ने तुम्हें मारा है ना? मैं अभी उसे बताती हूँ। आप कुछ नहीं बता सकते। आप प्लीज़ मेरी बात माने और आप अमेरिका चली जाएं। क्यों? इसमें आपकी और बच्चियों की सेफ्टी है। और तुम? मैं आपके कहे पे अमल करूंगी। शाज़मीन तुम क्या करने जा रही हो? बस जीना चाह रही हूँ, अपने हक के लिए लड़ना चाह रही हूँ। आप और बच्चियाँ मेरे कदम रोक। आप लोग के होते हुए मैं वो सब नहीं कर सकती जो मैं करना चाह रही हूँ। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा सकती शाज़मीन। आपकी बातें मेरी ताकत हैं लेकिन आप खुद और बच्चियाँ मेरी कमजोरी। प्लीज़ आप मेरी बात मान लेना। आप अभी के अभी होटल शिफ्ट हो जाए। वजाहत को जैसे ही पता चलेगा कि बच्चियाँ घर पे नहीं हैं तो वो एक हंगामा खड़ा कर देंगे और मुश्किल में कौन आएगा? मैं। इसलिए मामा प्लीज़ आप मेरी खातिर प्लीज़ चली जाए। अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाया तो आप हैं ना उनका ख्याल रखने के लिए। बस अब की बार उन्हें फैसला दिल से नहीं दिमाग से करना सिखाइएगा। और मामा आप फिक्र नहीं करें, मुझे कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट थोड़ी अरसे के बाद आप मुझे हंसता मुस्कराता वो देखें। अल्लाह करे ऐसे ही। क्या बात है, आज तुमने कैसे फ़ोन कर लिया? वो आरिश, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अच्छा तो मैं आ जाता हूँ? नहीं, फ़ोन पे ही बात कर लूँगी। अरे यार आ जाता हूँ ना, कितनी देर लगनी है? आरिश प्लीज़ सीरियस हो जाओ, ज़रूरी बात करनी है। ओके बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं एक्चुअली सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि तुम अच्छा तुम आ जाओ, मैं यहीं हूँ मम्मी के घर पे। अच्छा ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर पहुँचता हूँ। ओके अच्छा ठीक है, ओके बाय। Thank you.
मलिक साहब ने बुलाया। चलो अफसोस है मुझे, मुझे तुम्हारे घर का लिहाजा करवाना हुआ। क्या तुम बताओ मेरे पीछे क्या क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। अभी तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, जिस दिन जवाब हासिल करने की कोशिश की बहुत पछताओगे। अपने काम से काम रखो, मेरे घर वालों में से किसी से मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं जानता आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपको जरूर कोई गलत है नहीं। मेरी बीवी तुम्हारे लिए मुझसे डील करेंगे। कैसी डील? इतने स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, तुम सब जानते हो मलिक चाहे कितना ही अच्छा क्यों नहीं है, लेकिन उसकी इज्जत की तरफ बढ़ने वाले इशारे को भी वो खत्म कर देता है। अगर तुमने हद से बढ़ने की कोशिश की तो ना तुम्हारा स्कूल रहेगा और ना ही हॉस्पिटल। लेकिन मलिक साहब आप आवाम से इल्मी शहर बनने का वादा कर चुके हैं। आवाम को झूठे वादों की आदत पड़ चुकी है, संभाल लो बदल। इस शख्स को देख रहे हो तुम? इसका नाम अजमल है। इसकी आंख और कान बिल्कुल इसके निशाने की तरह तेज है। अगर इसकी आंखों ने कुछ देख लिया या इसके कानों ने कुछ सुन लिया तो ये तुम्हारी आंख और कान के दरमियान इतना बड़ा सुराग कर देगा। आज के लिए इतना ही काफी है, प्लीज जी। फरमाइए। तुम ठीक हो ना? कोई अनयूजुअल बात तो नहीं हुई? क्यों, कोई अनयूजुअल बात होनी थी क्या? क्या मतलब? तुमने पूछा तो मैंने भी पूछ लिया। मेरी एक बात मानोगे? ऐसे बोलोगी तो नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि तुम कुछ मुश्किल फरमाइश करने वाली हो। नहीं, बहुत आसान। तुम प्लीज वापस चले जाओ। तुम्हें लेके? फजूल बातें मत करो, तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। वजह पूछ सकता हूँ? यहाँ तुम्हारे लिए बहुत खतरा है आरिश। किससे? तुम इतने सवाल क्यों करते हो? खामोशी से मेरी बात मान नहीं सकते? नहीं, क्योंकि तुम्हारी बातें मान के मैं बहुत कुछ भुगत चुका हूँ, अब मैं सिर्फ अपनी चलाऊंगा। आरिश प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे पहले पूरी बात बताओ, उसके बाद तुम चले जाओगे। पहले बात बताओ। वजाहत से मैंने तुम्हारे बारे में बात की थी। क्या? कि वो मुझे तुमसे मिलने दो। क्यों? तुम नहीं जानते, वजाहत से ये बातें छुपी नहीं रहती। तुम्हारे मेरे बीच में ऐसा क्या जिसे छुपाया जाए? यू डोंट नो आरिश, वजाहत नहीं पसंद करते कि मैं किसी भी मर्द से बगैर किसी रीजन के बात करूं। और तुम मुझसे बात करना चाहती हो? तो इसमें गलत क्या है? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने दोस्तों से बात कर सकूं? तो फिर तुम मुझे यहां से जाने के लिए क्यों कह रही हो? क्योंकि मुझे अफसोस है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई थिंक मैं घबरा गई थी। आई थिंक तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन ये मत भूलो कि मैं तुमसे बड़ा बहादुर हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। आरिश प्लीज मुझे तंग मत करो और चले जाओ।
कभी नहीं जाऊं, समझ आई? ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें कुछ भी होगा तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी। ओके, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं अगर मुझे कुछ हुआ, ठीक है? मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। आरिश, तुम चले जाओगे ना, प्लीज? इतने प्यार से कहोगी तो वाकई चले जाओगे, पर हमेशा के लिए नहीं, फिलहाल। क्या हुआ? मेरी मार का तुम पे कोई असर नहीं हुआ? हाँ? तुम्हें इसे समझाने गई थी ना, तुमने इसको समझाया था? मेरे जाने के बाद तुम इसके पास गई थी ना? मेरे मना करने के बावजूद भूल गई थी? मैं सिर्फ पानी पीने गई थी, सामने आ गई थी तो बात चल गई। समझाने गई थी ना, तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत? अच्छी बात है, तो उसको समझाने के लिए। अच्छी बात, शाबाश। और इस हालत में तुम्हें बिल्कुल एक घबराना नहीं है। गुड, नाजायज ताल्लुकात रखना चाहती हूँ ना उसके साथ? जो आपके लिए नाजायज है वो मेरे लिए नहीं, मैं उससे सिर्फ दोस्ती रखना चाहती हूँ। मर्द और औरत में दोस्ती नहीं होती है। आपकी इसी सोच की वजह से उस दिन मैंने आपसे एक बात की थी और तुम्हें मेरे जवाब का पता चल गया था, लेकिन उसके बावजूद तुम उससे मिलने के लिए गई। हाँ गई थी, मिलने गई थी उससे, क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त है। अगर आपको ये बात समझ में आती है या नहीं आती, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बचपन का दोस्त? हाँ, बचपन का दोस्त। आप चाहे तो नैना से पूछ सकते हैं। हाँ, वो का बचपन का दोस्त है, लेकिन तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं थी, वजह था तो मैं मना किया था। क्या पटरी बदलना तो कोई तुमसे सीखे? मैं आपकी जरूरत, अपनी गलती नैना के सर पे मत डालो। वो तुम्हारे बचपन का दोस्त है या बुढ़ापे का, आज के बाद तुम उससे नहीं मिलोगी, दैट्स इट। तो फिर आप मुझे तलाक? क्या बकवास कर रही हो तुम? मोर खाने वाली बातें क्यों कर रहे हो? मार के डर से तुम ईमान बेच सकती हो, मैं नहीं। पुस्तल औरत, मैं अपना ईमान बेचती ना, मैं बता चुकी होती कि तुमने अपने बच्चों का क्यों किया। Oh, really? वाह 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 वाह, एक नया रंग आया है तुम्हारे सामने। किसका आइडिया था ये, तुम्हारा या तुम्हारे आशिक का? ये मेरी जंग है, इसलिए आइडिया भी मेरा ही था। वेरी इंप्रेसिव। उसे बचाना चाह रही हो जिसे मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे अपने घर की औरत खराब है। कहाँ है बच्चियाँ? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। बताओ कहाँ है? तुम्हारी माँ के पास है कि कहाँ है? क्या, किसको किसको फोन कर रहे हैं? वजाह, तुम्हारी माँ को फोन कर रहा हूँ। वजाह नहीं, प्लीज मम्मी कुछ मत बोलिएगा। बच्चियाँ कहाँ हैं? तुम जैसी मम्मियां ही अपनी बेटियों को खराब करते हैं, लेकिन याद रखना, तलाक नहीं दूंगा इसे,
सारी जिंदगी इधर ही पड़ी रहेगी और सड़ती रहेगी। तुम चाहे मेरा जो भी हशर करो, लेकिन अपनी बच्चियों से कभी भी नहीं मिल सकते, समझे ना तुम? और मैं देखता हूँ कि अब तुम इस घर से कदम कैसे बाहर निकलते हो। नहीं, बचा, आइंदा के बाद तुम इस कमरे से नहीं निकलोगी। नहीं, खुदा के लिए उसे कमरे में बंद ना करें। नहीं, उसे साइड लेने के लिए। आज गजन की याद कैसे आ गई? वो कल टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था आपका, बड़ा इम्प्रेसिव था। आई मीन, आप तो बड़ी कमाल धुलाई करते हैं पॉलिटिशियंस की। हमारे यहाँ कोई धोबी या ड्राई क्लीनर तो है नहीं इन पॉलिटिशियंस के लिए ना, तो ये न्यूज एंकर है ना, धोबी पार्ट का काम कर रहे हैं। वो मलिक वजाद को नहीं बुलाया कभी आपने अपने शो पे? फेवरेट है क्या? नहीं, फेवरेट तो नहीं है, लो प्रोफाइल रखता है। स्कैंडल भी कोई मैंने आज तक नहीं सुना। रूखा फीका सा आदमी है, तो ऐसे बंदे को शो पे क्या बुलाना है यार। हाँ, आप लोगों को तो वो लोग चाहिए जो चीखें चिल्लाएं आपके शो में। सनसनी जो फैलानी है, चैनल कमाएगा कैसे? डू यू नो, मलिक वजाद इज कमिंग बैक इन पॉलिटिक्स। बात क्या है, बड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूँ उसमें। नहीं, आपको पता होगा मलिक वजाद ने हम लोगों को काफ़ी ज़मीनें और पैसे वगैरह दिए हमारी एनजीओ को, एक्चुअली वो इल्मी शहर बनाने। हाँ, सुना था मैंने भी। यार अच्छा आदमी है, शो ऑफ नहीं करता इन सारी चीज़ों को, बल्कि उसकी फैमिली, उसके घर वालों को आज तक किसी ने कोई डिस्कशन में भी नहीं आया। वो आपको शायद इल्म नहीं है कि उसने अपनी बीवी और तीन बच्चियों के होते हुए अपनी बीवी की बेस्ट फ्रेंड से शादी की। ये तो आम बात है आरिश, जिस कल्चर से वो लोग बिलोंग करते हैं वहाँ दूसरी तीसरी बल्कि चौथी पाँचवीं शादी भी कोई मायने नहीं रखती, कोई माइंड नहीं करता। हाँ, लेकिन बीवी की बेस्ट फ्रेंड से शादी करना, उसको ये बहाना देके कि उसके बच्चे वापस दिला देगा, कुछ अजीब बात नहीं? तुमने इतनी मालूमात इकट्ठी की मलिक वजाहत की। आरिश, मसला क्या है? दोस्त के लिए सारी मालूमात इकट्ठी की। अच्छा, देखो पर्सनली मैं उसको नहीं जानता, बट अगर तुम्हें कुछ मालूमात चाहिए तो मैं कुछ दोस्तों से इकट्ठी कर सकता हूँ। ग्रेट, मैं काम करता हूँ, उसकी दोनों बीवियों का नाम आपको SMS कर देता हूँ। प्लीज़, आपको जो भी मालूमात हासिल हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। पुप्पो, भाभी, बच्चे सब ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र, बल्कि खाना लगने वाला है, तुम खाना खा के जाना। नंबर वही है ना भाई आपका? हाँ। या सेंट। वजाहत, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, एक दो लोगों से मिलना है, इसलिए जा रहा हूँ। वो शासमीन का क्या करना है? क्या करना है? कुछ नहीं करना, तुम्हें किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने उसे कमरे में बंद कर दिया, मुझे टेंशन नहीं होगी। मैंने उसको कमरे में उसके फायदे के लिए बंद किया है। पागलपने में अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा लेगी तो फिर इन दी एंड ऑफ द डे नुकसान तो मेरा ही है ना। आपको उसे मारना नहीं चाहिए था। जिस बात से मारने पर अल्लाह ने नहीं रोका, तुम कैसे रोक सकती हो? आई नो कि वो तुम्हारी दोस्त है, मेरी बीवी भी तो है। जितना प्यार तुम उसको करती हो उतना ही मैं करता हूँ, संभाल लूंगा उसको। हाँ, इस मरतबा अगर तुम डॉक्टर पे जाओ फॉर माई सेटिस्फेक्शन, अल्ट्रासाउंड करवा लेना। लड़का है या लड़की जो भी है, चेक करवा लेना, ठीक है, नॉर्मल ही है। अगर लड़की हुई तो छोड़ देंगे ना आप मुझे? उल्टा टांग जी, जी बहुत अफसोस हुआ था उसकी डेथ का सुनकर।
किसकी डेथ का? फरहाद की डेथ का और किसका? तुम मजाक कर रहे हो ना? पागल, किसी की डेथ के बारे में मजाक क्यों कर रहे हो? कहाँ थी मैं इतना पूछा? आरिश से मिलने गई। उतना बोलो जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। धमकी दे रहे हैं मुझे? नहीं, समझा रहा हूँ तुम्हें मैं। क्या हुआ? बेटी हुई है। मलिक जैसे आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब तुम अपनी खैर मनाओ क्योंकि वो एक बार फिर ट्राई करेगा तुम्हारे साथ। हाँ, क्या हुआ? नहीं मन दा दिल बेईमान दी नजर विटू डाया।